सो हेलो गुरुवान, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँ कि आप इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, इसे आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है अपने कुछ फ़ोटोज़ ले लेनी है, अप्रॉक्सीमेट 6 फ़ोटो ले लेनी है आपको। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, VN एप्लीकेशन। इसको जो है आप प्ले स्टोर से सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं VN एप्लीकेशन। VN एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपल गाइस आपको क्या करना है, आपको जो VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप VN एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना है, कहीं पर भी आपको क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कहीं पर क्लिक करेंगे तो आप किसी वेबसाइट में चले जाएंगे, आपको ऐड शो होगी, ऐड के ऊपर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मैं कहीं और वेबसाइट पे चला जा रहा हूँ, तो आपको वेबसाइट के ऊपर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। मैं फिर से आपको VN एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ, ऐड आएगा, आपको ऐड के ऊपर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद सिंपली गाइस आपके सामने यहाँ पर जो पिक्चर मांगेगा आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद नीचे आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्लस के ऊपर, और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटोज़ पे जाना है और आपको अपनी 6 फ़ोटोज़ ले लेनी है। 6 फ़ोटोज़ आपको अप्रोक्सीमेट अपनी 6 फ़ोटो ले लेनी है। चलिए हम यहाँ पर कोई भी 6 फ़ोटोज़ ले लेने, तो हमने 6 फ़ोटोज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। अपनी 6 फ़ोटोज़ लेने के बाद सिंपली आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल का, इसके ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 916 का, तो आपको 916 के ऊपर क्लिक करके इसका साइज़ आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। अगर आप और भी साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो फ़ोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है, और फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद दोनों फिंगर से इस तरीके से आप जो इनक्रीज़ कर सकते हैं फ़ोटो का साइज़। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा म्यूज़िक का, इसके ऊपर क्लिक करना। साइड में वीडियो देख रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब फिर आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वीडियो को चूज़ कर लेना है और ओके कर देना है। आपको जो है ओके करने के बाद इस वीडियो का म्यूज़िक निकल जाएगा, आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा थर्ड नंबर पर, इसके ऊपर क्लिक करना और फोटो वीडियो पे आना है, फिर से वही वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होगा वीडियो क्रिएट करने का। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको जो है साइड में लगाना है कुछ इस तरीके से, आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पर कौन सी फ़ोटो आ रही है, कहाँ पर कौन सा इफेक्ट्स लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रहा है, यहाँ पर सेकंड फ़ोटो आ गई। तो गाइस आपको अगर आपको फ़ोटो को इंक्रीज़ करना है तो इस तरीके से दोनों फिंगर से स्लाइड करना है, फ़ोटो बड़ी हो जाएगी। तो आपको देखना है कि फर्स्ट फ़ोटो में कहाँ तक ब्लिंकिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंकिंग है, सेकेंड फ़ोटो आ गई, तो आपको फ़ोटो को खींच कर यहाँ तक ले आना है। फिर सेकेंड फ़ोटो देखना है कि कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देखना आगे, आप ऊपर देख सकते हैं सेकेंड फ़ोटो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो आपको फ़ोटो को खींच कर आगे ले आना है कुछ इस तरीके से। फिर से आपको जो ऊपर वाला स्टिकर वाला ऑप्शन होगा इसके इंक्रीज़ करना है, इस तरीके से इंक्रीज़ करते रहना है। फिर से हमें आगे आना है, आपको देखना है सेकेंड थर्ड फ़ोटो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, फिर से आपको यहाँ पर ले आना है कुछ इस तरीके से, फिर से ऊपर खींच लेना है कुछ इस तरीके से, आपको इंक्रीज़ कर लेना है। आपको देखना है कि फोर्थ फ़ोटो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर ले आना है कुछ इस तरीके से, फिर से आपको इसे इंक्रीज़ कर लेना है, इस तरीके से इंक्रीज़ करना है। फिर से आपको देखना है फिफ्थ फ़ोटो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, फिर से आपको इस तरीके से यहाँ पर ले आना है, जहाँ पर फ़ोटोज़ आ रही है इफेक्ट्स लगे हुए हैं वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ को ले आना है। यहाँ पर आ रही है तो फिर से मैं यहाँ पर ले आता हूँ ये कुछ इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पर आपको सॉरी गाइज, तो आपको यहाँ पर एक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। आपको एक और फ़ोटो चूज़ कर लेनी है, फ़ोटो वीडियो के ऊपर आना है, फ़ोटो के ऊपर आना है, और आपको एक और फ़ोटो चूज़ कर लेनी है, 7 फ़ोटो ले लेनी है। उसके बाद आपको देखना है कि फ़ोटोज़ कहाँ पर आ रही है, लास्ट वाली फ़ोटोज़ यहाँ पर आना है, इसे जो इस तरीके से यहाँ पर ले आना है इस तरीके से।
अब आपको देखना कि कौन कौन से इफेक्ट्स लगे हुए हैं। फर्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लिंकिंग इफेक्ट्स लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लिंकिंग वाला ऑफेक्ट्स मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकेंड में कुछ इस तरह का इफेक्ट्स लगा हुआ है, आपको इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह का इफेक्ट्स लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग से कोई भी यहाँ पर इफेक्ट्स लगा सकते हैं गाइज, जो भी आप सबको इफेक्ट्स पसंद आ रहा है वो इफेक्ट्स आप इसमें लगा सकते हैं। तो सभी में हम चलिए इफेक्ट्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स दिखने के लिए मिलेगा यहाँ पर देखिए जिटर डाउन का, तो इसे जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सभी फ़ोटोज़ में आपको जिटर डाउन वाला इफेक्ट्स लगा लेने कुछ इस तरीके से। तो गाइज़ आप जो है इस तरीके से इफेक्ट्स जो है लगा सकते हैं, आप कोई और भी दूसरा इफेक्ट्स लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम जिटर जो लगा हुआ है वही इफेक्ट्स इसमें लगा लेते हैं। तो सभी में हमने इफेक्ट्स लगा लिया, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो को। तो हमारे वीडियो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज़। ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन मिलेगा टिक करने का, इसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो को सेव कर सकते हैं।